हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले हल्द्वानी के स्पा सेंटर्स पर बीते दिन उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ नैनीलाल रोड स्थित दो स्पा सेंटर में छापेमारी की। बता दें कि जिसमें फरोशी की शिकायतों पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ दोपहर के समय स्पा सेंटर में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान नैनीताल रोड स्थित दो सेंटरों में छापेमारी के दौरान जिसमें फरोशी तो नहीं मिली लेकिन अनियमितताओं की भरमार थी। ऐसे में दोनों ही स्पा सेंटरों पर सेंटर के मैनेजर को कड़ी शब्दों में चेतावनी और चालान के साथ हिदायत देकर छोड़ दिया गया। दरअसल महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ भूटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के नैनीताल रोड स्थित द क्लाउड 9 स्पा सेंटर में छापेमारी कर दी। इस दौरान अचानक हुई छापेमारी से सेंटर में हड़कंप मच गया और सेंटर के अंदर मौजूद लड़कियां इधर उधर भागने लगी, जिससे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कड़ी पूछताछ की। द क्लाउड 9 के दस्तावेज भी आधे अधूरे मिले और वह अधिकारियों के सवालों का जवाब भी सटीकता से नहीं दे सके, जिसके बाद क्लाउड 9 का चालान किया गया। इसके बाद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने नैनीताल रोड पर काठगोदाम थाना क्षेत्र के पास 20 स्पा सेंटर पर भी छापेमारी की, जहां टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही लड़कियां मौके से फरार हो गई थीं। इस दौरान मौके से पुलिस को आपत्तिजनक सामान और बियर की एक कैन बरामद हुई, जिसके बाद राज्य महिला आयोग के मैनेजर को फटकार लगाते हुए चालान भी किया।